क्या बनेगा बड़ा होकर? कैसे बराबरी कर पाएगा इस दुनिया के साथ? क्या सारी उम्र में उसे घर पे बैठ के खिलाता रहूंगा? 5 साल बाद जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीद के अपना घर बनाते देखोगे तो हेलो गाइस, फिर से हमारी न्यू वीडियो, आप सबका स्वागत है। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया कि रिहान रॉय के फादर की डेथ हो चुकी है, जिस पर आपने कमेंट किया कि उस पर एक दूसरी वीडियो भी बनाए। चलो इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि ऐसा कैसे हुआ। वीडियो स्टार्ट होने से पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी न्यू वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। जैसा कि आप रिहान रॉय को जानते हैं, मुस्कान और रिहान रॉय साथ में वीडियोस बनाते हैं जो फैंस को सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। करके ये बताना कि शादाब और मुस्कान की वीडियो आप सबको अच्छी लगती थी या रिहान और मुस्कान? रिहान रॉय के फादर की बात करें, रिहान रॉय के फादर की कुछ दिनों से तबीयत सही नहीं थी, जिससे उनकी डेथ हो चुकी है। रिहान रॉय ने स्टोरी में बताया अपनी कि मेरे पापा इस दुनिया में नहीं रहे। और इसके साथ ही रिहान रॉय के फादर कुछ दिनों पहले मुंबई भी आए थे रिहान रॉय से मिलने। रिहान और मुस्कान की वीडियो सबसे ज्यादा फैंस को अच्छी लगती है। और इसके साथ ही मुस्कान की शॉर्ट फिल्म का सेकेंड पार्ट भी आ चुका, जो आपने अभी तक नहीं देखा तो हमारे चैनल पर है, आप देख सकते हैं। मुस्कान शर्मा की शॉर्ट फिल्म ट्रेंडिंग 5 पर चल रही है। और इसके साथ ही आजकल मुस्कान शर्मा के हर एक वीडियो व्लॉग ट्रेंडिंग में चलता है और काफ़ी व्यू आते हैं। और कुछ दिनों से मुस्कान और रिहान की वीडियोस रील्स नहीं आ रही है। कुछ दिनों बाद मुस्कान और रिहान की साथ में वीडियोज आने वाली है और न्यू सॉन्ग भी आने वाला है मुस्कान और रिहान रॉय का। और आप ये कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि रिहान और मुस्कान का कुछ दिनों पहले जो सॉन्ग आया था वो आपको कैसा लगा। उसके साथ मुस्कान और रिहान के कुछ वीडियोस देखते हैं। आप ये तो भी आपने कहा से मुस्कान में किसकी वीडियो आप सबको? मुझे वहाँ की शाम बहुत पसंद है। नहीं नहीं, टोपी भी बहुत अच्छी लग रही है, आप पे बहुत सूट हो रही है। ये लाल जैकेट आपने कहाँ से लिया? कहीं ये चौधरी इंसान का तो नहीं? नहीं नहीं, फिर आपने अमेरिका से लिया होगा? नहीं, मैंने ये न्यूयॉर्क से लिया है। न्यूयॉर्क? अच्छा अच्छा, मैंने सोचा अमेरिका से लिया होगा। साला, मैं भी फेंकू और ये भी फेंकू। फोन दीजिए भाभी, जो कभी फोन दीजिए, पता है किस किस से बात करती है। भाभी आपको लग जाएगी, फोन दीजिए भाभी। छोड़ो भाभी, फोन दीजिए मेरा। बच्चों की तरह लड़ रहे हो। रिया, प्रीति, लाइक बटन को एक साथ दबा दो और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर डालो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लास्ट तक देखते रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स।